लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय मीडिया में इजराइल आजकल चर्चा में है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर थे। कूटनीतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी की ये इजराइल यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इजराइल दुनिया के ताकतवर देशों में से आता है जिससे पंगा लेने से पहले उसके विरोधी 100 बार सोचते हैं। उसका कारण है इजराइल की ताकतवर सेना एवं उसकी खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद ने अपने एक से बढ़कर एक ऑपरेशन के जरिए खुद को दुनिया का सबसे बेहतर खुफिया विभाग बनाया है। इसके साथ ही इजराइल ने कई युद्धों में अपने पड़ोसी देशों को हर बार हराया है और उनकी जमीनें भी कब्जाई हैं। लेकिन एक ऐसा देश भी है जिससे इजराइल बेहद खौफ खाता है और उसे अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। यह देश है ईरान, जिससे इजराइल सबसे ज्यादा डरता है। उसका कारण है कि ईरान भी इजराइल की तरह ही बेहद ताकतवर है। ना ही मात्र ईरान सैन्य रूप से बेहद मजबूत है बल्कि सैन्य संसाधनों में भी अव्वल है। इसके साथ ही ईरान रूस जैसे ताकतवर देश के भी बेहद करीब है, जिससे उसके पिछले कई दशकों से मधुर रिश्ते हैं। ईरान दुनिया के उन देशों में से आता है जो कि ज्यादातर चीजों के लिए खुद पर निर्भर है। अपनी जरूरत के सामान बनाने से लेकर परमाणु संवर्धन करने तक ये सारे कार्य ईरान खुद ही किया करता है। यही कारण है कि आत्मनिर्भर देश दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। ना ही मात्र इजराइल बल्कि उसका सबसे करीबी मित्र अमेरिका भी ईरान से खौफ खाता है। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA अपनी बजट का एक हिस्सा ईरान से संबंधित चलने वाले ऑपरेशन में खर्च करती है। अमेरिका इजराइल दोनों ही आए दिन ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा भी बताते रहते हैं। अमेरिका एवं पश्चिमी देशों ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध जड़ रखे हैं। ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां भी ईरान में प्रतिबंधित हैं। ईरान ही वह देश है जिसे सऊदी अरब सहित ज्यादातर सुन्नी देश भी दुश्मन देश की तरह देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।